जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों एक मजेदार चीज बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए इस व्हील को लगाने के लिए ये लगाना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा ये क्या है, दोस्तों ये नहीं लगाएंगे तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है, तो हमेशा ध्यान रखिए ये लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए मेरे पास एक मशीन है, इसको बोलते हैं एजी ग्राइंडर मशीन। ये एजी 4 भी हो सकता है, एजी 5 भी हो सकता है, एजी 7 भी हो सकता है, एंगुलर ग्राइंडर 7। इस प्रकार से अलग अलग इसके बिल के साइज के जैसे इंच के बिल लगते हैं उसके हिसाब से इसका नाम भी पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एजी 4 है इसमें 4 इंच के बिल लगता है। तो मैं यहाँ पर इस कटिंग व्हील को खोलकर जो मार्बल कटिंग होते हैं या वॉल कटिंग, जैसे इलेक्ट्रिशियन जो पाइप को बैठाते हैं उससे पहले इससे काटना पड़ता है, जो मैंने आपको दिखाया था। लेकिन अक्सर एक गलती करते हैं, वो गलती से आपको बचना है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये मैं खोल रहा हूँ, खोलना तो आप जानते होंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर खोला जाता है। तो दोस्तों ये मैंने खोल दिया, इसके पीछे लॉक था, इसको दबाकर मैंने खोल दिया और ये बिल को मैंने अलग कर दिया। लेकिन दोस्तों हम क्या गलती करते हैं, ये जो बिल है इसको हम ला के ऐसे रखते हैं और रख कर फिर इसके ऊपर एक नट से हम टाइट कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा समस्या है। इससे क्या होगा कि जब आप इस व्हील को लगाएंगे तो ये एक जैसे नहीं है। मान लीजिए मैंने इसको टाइट कर दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको घुमाता, देखिए आप इसके देखिए, सॉरी ये देखिए ये कैसे घूम रही है, बहुत ही असमान। देखिए ये ऐसे भी घूमेंगे ना दोस्तों, इसकी बेयरिंग तो जाना ही जाना, 2 मिनट के अंदर इसकी बेयरिंग खराब हो सकती है। दूसरा, जब आप इससे कटिंग करेंगे तो आपके हाथ में बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशन होगा, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। और तीसरा, जब ये झटका मारता है ना तो इतने तेज मारता है, हो सकता है कि आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए। तो दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं, एक छोटा सा काम है आपको करना है। जब ये बिल आप खरीदते हैं ना दोस्तों तो उसके साथ ही मिल जाता है, नहीं तो आप दुकान से 5 रुपये में खरीद ही सकते हैं। देखिए मैं इसको खोल दिया एक बार, फिर से खोलने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो रिंग है ये वाला, सॉरी देखिए ये जो रिंग है, इस रिंग को मैंने इसके अंदर ये बैठा दिया, ये आसानी से बैठ जाता है दोस्तों, ठीक है, निश्चिंत रहिए आसानी से बैठता है ये बैठ गया। देखिए अब क्या हुआ कि उसमें किसी भी प्रकार के गैप जो है वो असमान नहीं है, अर्थात गैप मेंटेन हो गया। अब इसके ऊपर ये जो प्लेन फेस वाला नट है उसको हम ऐसे करके लगा देंगे। ये बहुत बड़ा एक गलती है दोस्तों, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, गलती मैंने भी किया है, इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा होता है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, जब हम नहीं जानते कोई चीज़ तो ऐसा हो सकता है। बस अब मैंने इसे कर दिया दोस्तों, अब इसे मैं एक हाथ से चला दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत स्मूथ, तो बस मुझे यही चीज़ आपको बताने की, देखिए कितने 0-0 में चल रही है, इससे ना बेयरिंग खराब होगी, ना आपको झटके लगेंगे, ना कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको, और इस प्रकार के और भी ढेरों सारे वीडियो देखने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।